प्राप्ति के उपाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पुत्र प्राप्ति के कुछ सरल उपाय। दोस्तों, क्या आप पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं? तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो। वेलकम दोस्तों डेली हेल्थ केयर चैनल में। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते हैं आयुर्वेदिक सरल टिप्स, कुछ हेल्थ टिप्स, कुछ फेशियल टिप्स, कुछ ब्यूटी टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप हमेशा के लिए बन सकते हैं स्वस्थ और सुंदर। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि पुत्र प्राप्ति के उपाय कौन से हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों जानते हैं पुत्र प्राप्ति के कुछ सरल उपाय। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, दोनों ही भगवान के वरदान हैं। ना तो कोई किसी से कम है, ना कोई किसी से ज्यादा। संस्कार और माहौल इस बात का निर्धारण करते हैं कि आपका बेटा या आपकी बेटी कैसी होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पीरियड्स के कितने दिन बाद गर्भ ठहरने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी और किस दिन गर्भ ठहरने से पुत्री की प्राप्ति होगी। किस रात को गर्भ ठहरने से किस तरह की संतान जन्म लेगी और पीरियड शुरू होने वाले दिन से चौथी, छठी, आठवीं, दसवीं, बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं रात को गर्भ ठहरने से पुत्र प्राप्त होता है, जबकि पीरियड शुरू होने से पांचवे, सातवे, नौवे, ग्यारहवे, तेरहवे और पंद्रहवे दिन अगर गर्भ ठहरता है तो पुत्री की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चौथी रात को गर्भ ठहरने से होने वाला बेटा कम आयु वाला और गरीब होता है, जबकि पांचवी रात को गर्भ ठहरने से होने वाली बेटी भविष्य में सिर्फ लड़कियां ही पैदा करती है। छठी रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा मध्यम आयु वाला होता है। सातवीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाली बेटी बांझ होती है। आठवीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा ऐश्वर्यशाली होता है। नौवीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाली बेटी ऐश्वर्यशालिनी होती है। दसवीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा चतुर होता है। ग्यारहवीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाली बेटी चरित्रहीन होती है। बारहवीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा पुरुषोत्तम होता है। तेरहवीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाली बेटी वर्ण संकर होती है। चौदहवीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा उत्तम होता है। पंद्रहवीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाली बेटी सौभाग्यवती होती है। सोलहवीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा सर्व गुण संपन्न होता है। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए पीरियड शुरू होने वाले दिन से गिनकर चौथी, छठी, आठवीं, दसवीं, बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं रात को संभोग करना चाहिए, जबकि पुत्री प्राप्ति के लिए पीरियड शुरू होने वाले दिन से गिनकर पांचवीं, सातवीं, नौवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं तथा पंद्रहवीं रात को संभोग करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पीरियड्स की गिनती सही प्रकार करें। पीरियड शुरू होने वाले दिन को पहला दिन गिनना चाहिए। अगर आपका पीरियड 10 अप्रैल को रात 9 बजे शुरू हुआ तो 11 अप्रैल को रात 9 बजे आपके पीरियड का एक दिन पूरा होगा। ध्यान रहे, आप 11 अप्रैल को दूसरा दिन ना गिनें। पीरियड शुरू होने के 24 घंटे के बाद ही दूसरा दिन गिनें। अगर आपको बेटा चाहिए तो जब तक गर्भ ठहर नहीं जाता है तब तक पांचवी, सातवीं, नौवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं और पंद्रहवीं रात को सेक्स नहीं करें। उसी तरह अगर आपको बेटी चाहिए तो चौथी, छठी, आठवीं, दसवीं, बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं रात को गर्भ धारण होने से पहले सेक्स ना करें। आपकी गिनती में एक भी घंटे की गलती नहीं होने चाहिए। गलत गिनती इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त होने देगी। जिस रात को आपने गर्भ धारण के लिए चुना है उसी रात को गर्भ ठहरे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी कुछ उपाय हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं वो उपाय कौन से हैं। ध्यान रखें कि जिस रात को आपने गर्भ ठहरने के लिए चुना है उस रात को गर्भ ठहरना चाहिए, ना कि सिर्फ संभोग होना चाहिए। उसी रात को गर्भ ठहरे यह सुनिश्चित करने के लिए आपको उस रात को 2-3 बार संभोग करना चाहिए। आप जितनी ज्यादा बार संभोग करेंगे गर्भ ठहरने की संभावना उतनी ज्यादा बनेगी। दोस्तों, गर्भ ठहरना सुनिश्चित करने के लिए सेक्स करने के बाद लिंग को योनि से तब तक बाहर नहीं निकालना चाहिए जब तक वह खुद बाहर ना आ जाए।
और योनि को भी सेक्स के बाद तुरंत साफ ना करें। अगले दिन नहाते समय ही योनि साफ करें। दोस्तों, जिस रात को आपने गर्भधारण के लिए चुना है उससे 2-4 दिन पहले ना तो सेक्स करें और ना ही हस्तमैथुन। इससे शुक्राणुओं की प्रबलता बढ़ जाएगी। उस दिन तनाव मुक्त रहें और उस दिन मानसिक या शारीरिक थकावट ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। संभव हो तो उस दिन घर से बाहर सारे कामों से छुट्टी ले लें। स्त्री के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद वीर्य के स्खलित होने से गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। अतः स्त्री के साथ सेक्स करने से पहले उसे पूरी तरह उत्तेजित कर लें। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक संतान गोपाल मंत्र के बारे में भी बताना चाह रहे हैं। इस मंत्र के उच्चारण से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, ये संतान गोपाल मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वमामहम शरणम गतः। दोस्तों, इस मंत्र का हर दिन 108 बार जाप कीजिए। श्रद्धा रखें, क्योंकि भगवान की जब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी तब तक संतान प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि गर्भवती स्त्री गर्भावस्था के दौरान पवित्र माहौल में रहे, अच्छी बातें देखे और सुने और बच्चे के जन्म के बाद भी उसे अच्छा माहौल मिले। हमारे इन टिप्स को आजमाने के बाद आपके अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण उपचार जानने के लिए जुड़े रहिए डेली हेल्थ केयर चैनल के साथ।